बलभद्र देव जो मनुष्य शरीर में अभी है, जब ये जब अटैक होगा उड़ीसा, वो चले जाएंगे झारखंड में रहेंगे थोड़े दिन, शायद एक दो साल रहेंगे उधर वहाँ पे गुप्त में। हाँ यार, गुप्त में रहेंगे वहाँ, उड़ीसा छोड़ के चले जाएंगे वो। बहुत बड़ी बात यहाँ पे पुलिन पंडा जी बोल रहे हैं कि उड़ीसा छोड़ के वो जाएंगे और वहाँ पे दो साल वहाँ पे रहेंगे गुप्त में। महामारी के समय तो करोड़ों लोग मर रहे होंगे, और उस समय युद्ध कैसे हो सकता है? इस समय युद्ध कैसे हो सकता है? युद्ध 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 वार, वो बोले कि जो महामारी होगा उस समय तो करोड़ों लोग मर सकते हैं, और उस समय युद्ध कैसे होगा? युद्ध कैसे होगा? हाँ, युद्ध के कमन मन कमन आदमी युद्ध नहीं लड़ेंगे, और कमन आदमी आएंगे युद्ध तो होगा, राष्ट्र बीच युद्ध होगा ना। पहले महामारी की चपट में आएंगे या फिर पहले युद्ध होगा? है? पहले महामारी या फिर पहले युद्ध, ये ऐसा भी कुछ टाइमलाइन है? देखिए, नहीं मालिक हमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जी जी जी, महामारी, युद्ध और ये आपका प्रलय, जब से भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब चीज जो है एक साथ चलेगा, अलग अलग नहीं आएगा, एक साथ चलेगा, एक साथ ही होगा। जी जी जी, और वार उस साथ चलेगा। जी, दिल्ली और कोलकाता वो कैसे, मतलब वहाँ पे स्थिति बिगड़ जाएगा? दिल्ली एंड कोलकाता विल बी द मेन प्लेस ऑफ अटैक। जी, क्यों? कैपिटल है दिल्ली, उसको दखल करेंगे, जो ट्राई करेंगे दखल करने के लिए, और ये पुराना कैपिटल है, और कलकत्ता, कलकत्ता तो जैसे वो लिखा हुआ है कि आपका न्यूक्लियर बम फूटेगा उधर, हिंदू मुस्लिम राइट होगा उधर, जी जी जी, सुनामी भी आएगा उधर, पार्ट ऑफ कलकत्ता विल बी सबमर्ज्ड, तो तीनों चीज घट होगा उधर कलकत्ता में। अच्छा अच्छा, कि महाप्रलय जब आएगा किस प्रकार बच सकते हैं महाप्रलय से? देखिए, जब प्रलय आएगा उसके लिए हम अगर खुद ट्राई करेंगे बच जाने के लिए नहीं बच पाएंगे। जी जी जी, ओनली प्रभु आपको सेव कर सकता है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों का, प्रभु के ध्यान कीजिए, प्रभु के शरण में रहिए, भक्ति कीजिए, और उसको जब कोई विपद आएगा उसको प्रेयर करिए कि वो आपको सेव करें। ही कैन सेव यू ओनली, और कोई नहीं, प्रभु के नाम। हाँ, भगवान हनुमान जी का लीला क्या करेंगे उनके बारे में भी बताइए। क्या भगवान हनुमान जी का लीला के बारे में क्या करेंगे? जी जी जी, हनुमान जी का मेन रोल है जी ये लीला में, उसका डबल रोल है। जी जी, एक तो है भक्त का रक्षा करना, दूसरा है शत्रु को दमन करना। शत्रु को दमन करना, दोनों चीज वो करेंगे। और आप भगवान हनुमान जी का शरण में रहिए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिया में एक बड़े पॉलिटिकल लीडर को ऊपर फैटल आक्रमण हो सकता है, मरणांतक आक्रमण हो सकता है। अच्छा, तो ही मे सर्वाइव, मे नॉट सर्वाइव। अच्छा, मतलब रूलिंग पार्टी या फिर अपोजिशन पार्टी, कोई भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते। मतलब ऐसा है कि भारत अभी जो चलता है तो रूलिंग पार्टी होगा। भारत के जो है एक बड़ी नेता है, उनके ऊपर शायद अटैक हो सकता है, हो सकता है। और आपका देखिए, या फिर अपोजिशन, ये कुछ ये एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, लीडर्स, वकील जो है, बाकी कुछ स्पोर्ट्समैन, उन लोग का भी कुछ लोगों का डेथ हो सकता है। अच्छा, मतलब जो फेमस पर्सनलिटीज, सिने स्टार्स और एज वेल एज जो है बड़े बड़े हस्ती और स्पोर्ट्स आइकन्स, तो उनको भी मतलब जो है मतलब किसी कारण से मौत आ सकती है। मतलब वो आपका जो अपना मत वो जानना चाहते हैं कि मतलब मोदी जी का क्या रहेगा रोल आगे चल के?
मालिका के नहीं, मतलब आपका जो अपना प्रेडिक्शन है। एक्चुअली मालिका में ये लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात मतलब लिखा है, ये लिखा है कि मतलब जो महाप्रलय जो पहला आएगा तीन चरणों में आएगा, आद्य मध्य और प्रांत। बोले कि महाप्रलय जब आएगा तो भारत के वो प्रधानमंत्री है उनका 13वां साल चल रहा होगा, 13th years ऑफ रूलिंग। तो ये आप अंदाजा लगाइए कहाँ से कहाँ तक बैठ रहा है, ये मालिका में लिखा है एक्चुअली में। तो फिर बाकी आप बोलेंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा टू द पॉइंट में। हाँ प्रमाण तो हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये लिखा है तो बाकी आपका उस हिसाब से मोदी जी विल कम डेफिनेटली एंड विल रिमेन फॉर मिनिमम 3 years, वही लिखा है। तो 24-25 तक तो रहेंगे, उसके बाद क्या होगा आई कैन टेल। एक्चुअली ये सब जो बातें हैं मतलब हम आपको डराने के लिए या फिर आपके मन में जो है भय का है वातावरण वो सृष्टि करने के लिए हम नहीं चाहते हैं। मालिका में जो लिखा गया है और आजकल की जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो स्थिति बन रहा है उसी के आधार पर हम ये सब बातें बोल रहे हैं। तो ना ही कोई डर फैलाने की हमारा ये साजिश है। तो हमारा तो एक कोशिश है जो मालिका में हमेशा बोला गया है, भविष्य मालिका के यही वार्ता है कि भविष्य मालिका हमेशा जो है जन सचेतन का संदेश दिया है समग्र विश्ववासियों को, और उसी को हम फैलाने की मतलब जन जन तक पहुंचाने की हम बस प्रयास कर रहे हैं। संग्रहालय की एक्चुअली एक जगह है वो क्या वो संबल है देखिए। नहीं नहीं एक्चुअली में अगर ऐसे बात करें तो कुल मिला के भारत में 32 संबल हैं, कुल मिला के पूरे देश में 32 संबल हैं। किसी गांव का नाम संबल है, जिला का नाम संबल है, कोई जगह का नाम संबल है, ऐसा करके बहुत सारे संबल है। उड़ीसा में भी हैं, बाकी राज्यों में भी है। अगर और मालिका में जो लिखा गया है भगवान कल्कि महाप्रभु संबल में ही जन्म लेंगे, जो आप जो जगह पूछ रहे हैं वो जगह तो नहीं है, अलग संबल है, वहाँ पे जो है भगवान कल्कि जन्म लेंगे। मालिका के हिसाब से भविष्य मालिका के हिसाब से माँ काली का रोल क्या होगा? देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब प्रलय लीला होगा, प्रलय लीला कौन करता है? शिव जी करते हैं। अभी एज पर मालिका शिव जी और माँ काली दोनों नर शरीर में होंगे, कहाँ भी होंगे, और आफ्टर दीवार जो मेन प्रलय लीला है वो करेंगे। अभी तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जितना प्रलय लीला सब उसका ही है, लेकिन आफ्टर दीवार जब पूर्ण प्रलय होगा वही तो करेंगे, कौन करेगा? सही बात है, शिवजी और माँ काली वही तो करते हैं ना। सही बात है, बहुत बढ़िया। 2025 और 26 जो है बड़ी क्रूशियल टाइम है, तो फिर आप थोड़ा आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। 2025 में भारत पर अटैक हो सकता है और इसी के चलते जो डोमेस्टिक वायलेंस है गृह युद्ध उसी समय भी बहुत बड़ा रूप लेगा। और रहा 24 की बात, 24 में ये जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है मतलब इतिहास साक्षी है, ऐसा इलेक्शन शायद किसी ने नहीं देखा होगा। ये सब बातें हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो भी मालिका में लिखा गया है भविष्य मालिका में लिखा गया है और आजकल के समय में जो चल रहा है और मालिका का अंग जो प्रमाण दे रहा है, तो उसी को मद्देनजर में रखते हुए हम ये कह रहे हैं। 16 मंडल में और भक्तों का एकत्रीकरण कब तक होगा? एकत्रीकरण आपका 24 से चालू हो जाएगा। जी जी जी, और कंप्लीट होगा 26 में। 26 तक सब भक्त एकजुट हो जाएंगे। 26 तक जो लोगों को पता नहीं है 16 मंडल के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे भविष्य मालिका में लिखा है 16 बट के बारे में, 16 मठ के बारे में, 16 घाट के बारे में, 16 टूट के बारे में, और लिखा है 16 पीठ के बारे में, और लिखा है 16 मंडल के बारे में। 16 मंडल यानी ये जो माता जो जो देवियां हैं तो उनके जो पीठ है
जैसे सबसे आद्य मंडल जो है उड़ीसा में एक है माँ सरला मंडल, वो है आद्य मंडल। उसके चलते आ रहा है माँ मंगला मंडल, बिमला मंडल और बिरजा मंडल, कटकचंडी मंडल, बिरजा मंडल, माँ समलई मंडल, हिंगला मंडल, ऐसे करके माँ काली मंडल, ठीक है ना, ऐसे सब आ रहा है। तो ये सब कहते हैं सोलह मंडल। तो सोलह मंडल के जो है भक्त, लाखों की जो है संख्या में जो भक्त हैं, वो सब जो है एक जगह एकत्रित होंगे और वहाँ पर उनको परीक्षा पड़ेगा। तो ये सब समय जो है निकट है, उस समय एक बहुत बड़ा एक यज्ञ भी होगा जिसको हम कहते हैं सुधर्मा महासभा। सुधर्मा महासभा के दौरान एक बहुत बड़ी यज्ञ भी होगा। तीन यज्ञ होंगे उस समय। एक होगा आपका जो कोलकाता है, उसके बाद उसके पास में जो जगह है सियालदा, वहाँ पे भी एक होगा बहुत बड़ा सा यज्ञ। एक होगा, दूसरा होगा आपका नेमाल, जो संत अच्युतानंद दास जी की साधना स्थल है, वहाँ पे भी होगा। और तीसरा यज्ञ जो होगा वो होगा आपका गजपति जिला, उड़ीसा का एक जिला है गजपति। गजपति जिले में एक पहाड़ है, उसका नाम है महेंद्रगिरी पहाड़, वहाँ पे भी एक यज्ञ होगा। तो ये सब मालिका में लिखा गया है, समय साक्षी है कब कब क्या क्या होगा।